में यात्रा का प्रमुख साधन रेलवे रच रहा है कीर्तिमान। काशी का नमो घाट विकास के मार्ग पर हो रहा है गतिमान। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अटूट संकल्प के अनुरूप भारतीय रेल नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है तथा देश में अपने कुशल और सुगम संपर्क सुविधा के लिए राष्ट्र के बुनियादी ढांचे को विकसित करने की ओर प्रतिबद्ध है। काशी के विकास की नई धारा भारत के विकास के नवयुग का आह्वान है। इस दिशा में अग्रसर होते हुए भारतीय रेल द्वारा काशी में नमो घाट पर स्थित 137 वर्ष पुराने मालवीय ब्रिज के स्थान पर नया रेल कम रोड ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी कुल लंबाई 1.074 किलोमीटर होगी, जिसमें 4 रेलवे लाइन ट्रैक और 6 लेन की सड़क का निर्माण किया जाएगा। काशी में नमो घाट पर गंगा नदी के ऊपर निर्मित इस नवीन रेल कम रोड ब्रिज के साथ ही वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के मध्य 15 किलोमीटर लंबी तीसरी एवं चौथी रेलवे लाइन का निर्माण भी किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में रेलवे नेटवर्क को व्यास नगर में DFCCIL यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एकीकृत करके तथा व्यास नगर और जीवनाथपुर के बीच डेडिकेटेड लाइन कनेक्टिविटी स्थापित करना शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना तथा वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के मध्य यात्री और माल परिवहन में सुगमता लाना तथा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विकास के दिशा में प्रेरित इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2600 करोड़ रुपए है, जिसे 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे लगभग 50 लाख ह्यूमन डेज का रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। यह महत्वाकांक्षी योजना प्रमुख रूप से वाराणसी पर केंद्रित है, जो पौराणिक काल से काशी का ज्ञान व व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र और सांस्कृतिक राजधानी रहा है तथा ये परियोजना मूल रूप से काशी क्षेत्र में विकास को सकारात्मक ऊर्जा व गति प्रदान कर विश्व पटल पर वाराणसी को पुनः सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी